हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। ये सीन आप पहले देख चुके हैं। मजबूरी ये है कि सी एक्वेरियम भी यूनिवर्सल स्टूडियो में है, सो एक बार दोबारा देख लें। और अब हम जा रहे हैं सी एक्वेरियम की तरफ। आपको मछलियों के नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं वीडियो बनाने में और इसको देखने में इतनी बिजी थी कि मैंने उनके नाम नोट ही नहीं करे। तो जस्ट आप लोग ये व्यू एंजॉय करें। ये इस कदर खूबसूरत लग रहा है कि आपके ऊपर से मछलियां जा रही हैं। कि आज हेलोवीन भी था तो रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत ज़्यादा व्यू कैप्चर नहीं हो सके ठीक से लोगों की वजह से। और ये जो आप देख रहे हैं, छोटा सा क्रैब था और बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये बेचारा चलने की कोशिश ही करता रहा और हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये बेचारा बाहर नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट व्यू की तरफ चलते हैं। और ये हैं सी हॉर्स। बस इनका नाम ही सी हॉर्स है, इनमें हॉर्सियतपन कुछ है तो नहीं। एक जगह बस हिलते रहते खड़े हुए। और ये बहुत मज़े की चीज़ उन्होंने की हुई थी, मैग्नीफायर लगाए हुए थे। और ये आई थिंक स्नेक फिश है। इधर अमार का दिल चाह रहा था कि वो एक्वेरियम के अंदर चला जाए, जो कि वो नहीं जा पाया। और अब एक ऐसी फिश आएगी जिसने मेरे ज़ख्म ताज़ा कर दिए, और वो है ये। इससे मुझे अपनी एक फ्रॉक याद आ गई जो मैंने सिलवाई थी और टेलर ने उसको बर्बाद कर दिया। तो जैसी ये फिश लग रही है ना, ऐसी ही मैं लग रही थी उसको पहन के। स्ट्रिंग रेज इधर बहुत ज़्यादा थी और ये इस कदर खूबसूरत लग रही होती हैं लाइव देखने में। अगर आप लोगों का भी जाना हो तो कैमरा वो खूबसूरती कैप्चर ही नहीं कर पाता जो ये लाइव देखने में मज़ा आता है। जिस तरह से ये जा रही होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और ये है सबसे मज़ेदार सेक्शन एक्वेरियम का, जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, जेलीफिशेस। और ये जिस तरह से इन्होंने ये होलोग्राम बनाया हुआ था इधर, और हमारे बच्चे इधर देख के पागल हो गए थे हसब मामूल। और आई विश कि मेरे पास इतना ज़बरदस्त कैमरा होता कि मैं सही उसको दिखा पाती, लेकिन आई थिंक इतना भी बुरा मैंने कैप्चर नहीं किया है। ये आप लोग देख के बताएं। और ये सबसे क्यूटी जेलीफिश, मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये। इनको देख के मुझे सर्फ एक्सेल का ऐड याद आ गया, उसमें स्टेन्स ऐसे नहीं निकल रहे होते कपड़ों में से। कुछ व्यूज़ इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको हमारा दिल चाहता है कि बस हम देखें, उसको कुछ बोले नहीं, वो बस देखने में ही इतना मज़ा आ रहा होता है कि उसके साथ कुछ बोलने के लिए समझ ही नहीं आता। जैसे ये कलरफुल व्यू, और अब चलते हैं सी एक्वेरियम के नेक्स्ट सेक्शन में, और वो है रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ फ्रॉग्स मिलेंगे जो हमने कभी देखे नहीं हैं, स्पेशली मैंने। और इनके बारे में लिखा हुआ था वहाँ पे कि ये बहुत जहरीले होते हैं। Thank you.
एंटरिंग इन द डिस्कवरी पूल, और बच्चों को हो रहा है कि हम एग्जिट करें यहाँ से क्योंकि उन्हें अपनी क्योंकि उन्हें अपनी जो है गिफ्ट क्लेम करने हैं। तो लेकिन हमें हो रहा है कि जब हमने टिकट लिया है तो हम क्यों कोई चीज़ छोड़ें, है ना। डिस्कवरी पूल में बहुत मज़े की उन्होंने चीज़ रखी हुई थी बच्चों के लिए, स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपने यहाँ हाथ शाथ धोने और उसके बाद आगे जाके आप टच कर सकते हैं यहाँ पे जेली फिशेज वगैरह को, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब बच्चों को तो बहुत मज़ा आया इनको टच करने में, और जुनेद तो बहुत बहादुर है हमेशा की तरह, तो इन्होंने तो ठाक ठाक भी देखा उसको। और मैंने क्या किया ये भी आपको आगे नज़र आएगा। ये देखिए, मैं उनको तंग नहीं करना चाह रही थी, मैं डर नहीं रही थी, मैं बस उनको तंग नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं ज़रा बस हल्का सा चेक कर रही थी कि वो हैं कैसी। और ये है मेरा फेवरेट फूड सेक्शन, इन्होंने एक्वेरियम में भी बनाया हुआ था लेकिन कोविड की वजह से बहुत कंजस्टेड हुआ हुआ था, जगह जगह पे लोग खड़े हुए थे और हम इधर तो अंदर नहीं बैठे, हमने खाया पिया तो बाहर था लेकिन। और ये सबसे मज़े का डक लैंड, इधर सारा डक मीट था, हम इधर अंदर नहीं गए, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था। और फिर हमने यहाँ से कहा सी एक्वेरियम को अलविदा, और आप सब लोगों का भी थैंक यू देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और खुश रहें। बाय।